नेपालपुर तहसील के गौतमपुरा और बेटमा में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जहां गौतमपुरा में सुबह से ही कांग्रेस और भाजपा में गहमा गहमी देखने को मिली। गौतमपुरा में कांग्रेस की नगर सरकार बनी तो वहीं बेटमा में भारतीय जनता पार्टी नगर सरकार की सत्ता पर काबिज हुई। देपालपुर की गौतमपुरा नगर परिषद में कांग्रेस की हर्षाली गगन बाहेती नगर परिषद अध्यक्ष पद पर चुनी गई, तो वहीं बेटमा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की मनीषा शशि जायसवाल नगर अध्यक्ष चुनी गई। गौतमपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में गौतमपुरा नगर परिषद चुनाव को लेकर सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही, क्योंकि यहां बीते दिन गौतमपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 8 के जीते हुए पार्षद पर बीते 2 दिनों पूर्व पुलिस ने एक केस दर्ज किया था, जिसके चलते पुलिस कस्टडी में वार्ड क्रमांक 8 के नव निर्वाचित पार्षद को लाया गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में वोटिंग कराई गई। नगर परिषद चुनाव की गहमा गहमी के बीच पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल एवं इंदौर विधायक संजय शुक्ला भी पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। पहले गौतम ऋषि की इस पावन नगरी के सभी मताधिकारियों को और नागरिकों को बहुत बहुत आभार। सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में आज हमें यह जीत हासिल हुई है। यह जीत हमारी नहीं है, पूरे नगर की है। आप लोगों ने जैसे भी नगर को स्वच्छ सुरक्षित जैसा नगर चाहा है वैसा करने की पूरी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी जीत? सत्य की विजय होती है, सत्य विजय हुआ है। और कहीं ना कहीं जब मेरे पिता यहाँ विधायक हुआ करते थे उस समय यहाँ बीजेपी की परिषद बनी थी, और अब जब मैं यहाँ विधायक हूँ तो परिषद बनी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ के पूर्व विधायक जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर चीज़ की हर निम्न स्तर पर उतरकर जो यहाँ हरकतें करी है आम जनता के सामने है। ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से हो, नवरात्रि में माता जी की स्थापना करता हो, भोलेनाथ की सवारी में या खुद झांकी बनाता हो और पूरा योगदान देता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा प्रकरण रात को 1 बजे 376 का मुकदमा दर्ज होता है। हमें पूर्ण विश्वास था न्यायपालिका पर, हम न्यायपालिका से हमने गुहार लगाई, कल 5 बजे हमने पिटीशन लगाई, 7:30 बजे हमें डिसीजन दिया न्यायपालिका ने कि वोट का अधिकार हो। जीत हुई है, 17 साल बाद यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, क्योंकि आज भी देखा होगा लगातार यहाँ पर गौतमपुरा के अंदर जो हमेशा बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, परंतु पहली बार यहाँ कांग्रेस के प्रचंड फहराया है। उसके पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो गुंडागर्दी कर रहे थे, हम पार्षदों को लेकर आए थे, उसके बाद उन सुनवाई अटकी गई, प्रशासन खुद खड़ा हुआ था, मूर्धा सुबह खड़ा हुआ था प्रशासन, टीआई एजेंसी SP पूरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बेटमा में भी ऐसा, बेटमा के अंदर भारतीय जनता के पार्षद बोल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, परंतु उनको वोट डालने दे दिया गया और कांग्रेस के जो उनके लोग थे उन्होंने वोट डाला, मतलब आतंक मचा रखा और आतंक का ये अंत हुआ है। गौतमपुरा चालू हुआ है, अब इंदौर शहर में पूरे प्रदेश के अंदर आतंक खत्म हुआ और 2023 के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व सरकार बनेगी और ये भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, जनता की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और इंदौर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अनेक जगह पार्षद सरपंच पंच प्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधि जीते हैं और कई जगह महापौर भी बने हमारे, क्योंकि अब ये चालू हो गया है, सेमीफाइनल में हम अधिकांश जगह जीते हैं और फाइनल के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व सरकार बनेगी।